अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चों, इस तरह से दिया हुआ है, एक अल्काइल ब्रोमाइड सिस्टम है और यहाँ पर एमजी इथर लिया हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो देखिए, 2 मोल लिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मोल में क्या होगा, ये मैग्नीशियम इसके साथ मिलकर जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से, एम जी बी आर बनाता है इंसर्सर रिएक्शन करके। और आप जानते हो मैग्नीशियम जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो बेसिकली ये कार्बेनाइन बन जाएगा। वैसे भी ग्रिगनार्ड जो है ये कार्बेनाइन का सोर्स होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब ये जो कार्बेनाइन बना, ये क्या करेगा, इस तरह से जो ये इसका दूसरा मोल है अल्काइल ब्रोमाइड का, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड का, तो ये क्या करेगा, कार्बेनाइन इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन जो है एज ए लिविंग ग्रुप लीव करेगा और फाइनली जो है साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 में, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट में रिएक्ट विद अल्कोहल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर टू गिव नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है कि आपको जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इस तरह से, और आपको ये पूछा गया है कि नॉर्मल ब्यूटेन आप कैसे बनाओगे। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर यहाँ पर एम जी बी आर लगा हुआ रहे, ठीक है, एम जी बी आर लगा रहे, तो यहाँ पर कार्बेनाइन होगा और जब ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल के पास एच डी हाइड्रोजन है, तो ये कार्बेनाइन क्या करेगा, यहाँ से एच डी हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, कहने का मतलब कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और कुल मिलाकर आपको नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि हमने एम जी बी आर को जो है, मतलब ग्रिगनार्ड जो था वो टर्मिनल वाले कार्बन पर बना हुआ था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ग्रिगनार्ड है, ठीक है, ये इस दूसरे वाले कार्बन पर लगा हुआ हो, तो दूसरे वाले कार्बन पर लगा होगा तो कार्बेनाइन यहाँ पर होगा और हाइड्रोजन यहीं पर जुड़ेगा, तो कुल मिलाकर जो है नॉर्मल ब्यूटेन यहाँ से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का हम लोग, कुल मिलाकर अगर आपको नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है ग्रिगनार्ड से, ठीक है, तो ये 2 टाइप के ग्रिगनार्ड आपको बनाने होंगे और उसका जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड बेस रिएक्शन, तो फाइनली जो है आपको ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कहता है इन द रिएक्शन, इस तरह से अल्कोहल है और अल्कोहल में आप जानते हो कि ये जो OH ग्रुप होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये टोसाइलेट क्लोराइड जब भी दिया हुआ होता है ना, तो ये इसलिए दिया हुआ होता है कि ताकि ये अल्कोहल जो है ना OTS में बदल जाए, ठीक है, OTS में बदल जाए। और ये जो OTS है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी अल्कोहल दिया हो रहे तो OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, तो OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए टोसाइलेट क्लोराइड दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से H और Cl बाहर, HCl निकलेगा और ये OTS बना लेगा। अब क्या होगा, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में आप जानते हो कि ये क्या है, Li प्लस और AlH4- के रूप में है। तो ये LH4- एक जानते हो कि लुइस एसिड है, तो ये क्या है कि H कहने का AlH3 है, ठीक है, AlH3 था लुइस एसिड और उसको जो है H- से क्या किया गया है, एक प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो है H- का सोर्स होता है, ठीक है, H- और ये AlH3 ऐसे करके अलग हो जाएंगे। और ये जो H- है बच्चों, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बन जाता है और न्यूक्लियोफाइल में भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप जानते हो कि ये क्या करता है, SN2 रिएक्शन करता है, लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करता है, उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पर लिविंग ग्रुप अच्छा लगा होता है, तो ये H- इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा और CH3 करके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आप अप्लाई कीजिए, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना देकर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ड्यूटेरियम दिया हुआ है, तो ड्यूटेरियम दिया हुआ है तो यहाँ पर D- बनेगा, D- जैसे H- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, ये भी इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है लिव करेगा और फाइनली ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम इथर दिया हुआ है बच्चों, तो मैग्नीशियम इथर आप जानते ही हो कि ये क्या करता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लेता है, MgBr बनाएगा। और ये जो MgBr है बेसिकली ये कार्बन आयन का सोर्स है, ठीक है। तो ये कार्बन आयन क्या करेगा, इस वाटर के वाटर से ड्यूटेरियम निकाल कर एसिड बेस रिएक्शन करेगा और फाइनली यही प्रोडक्ट बनाएगा। अब जो दो सही हो गया तो आप जानते ही हो कि ऑल ऑफ दीज होगा। अब ये जो देखिए बच्चों दिया हुआ है टर्सरी है ना, टर्सरी ब्यूटाइल और SnD है, तो यहाँ पर भी क्या है कि ये डी माइनस जो है वैसे जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखिए ड्यूटेरियम जो है एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही डी माइनस यहाँ पर भी अटैक करके फाइनली सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में मीथेन एंड इथेन, ठीक है, मीथेन एंड इथेन बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कहता है इसमें से किसमें से आप कौन सा कंपाउंड यूज करके एक ही स्टेप में मीथेन इथेन बना सकते हो, ठीक है, चाहे आप जैसे बनाओ। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये अगर हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, तो मिथाइल ब्रोमाइड का अगर हमने ग्रिगनार्ड बना लिया, क्या बना लिया, ग्रिगनार्ड बना लिया, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इसको प्रोटोन का सोर्स दे दें, तो ऐसी स्थिति में ये जो इथाइल ब्रोमाइड है ये क्या करेगा, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करके और यहाँ से CH4 बना सकता है, ठीक है। और तो और यही ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर CH3Br के दूसरे मोल पर अटैक करता है यहाँ पर, तो आपको जो है इथेन भी देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बार अगर आपने इससे ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लिया, ठीक है, तो अगर आप इसका प्रोटोनेशन कर दें, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएं, ठीक है, किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाएं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये मीथेन बनाएगा। और अगर इसी के दूसरे मोल से अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको जो है इथेन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, कहता है 2-chloro-3-methyl-butane। तो देखिए 2-chloro-3-methyl-butane का मतलब ये हो गया कुछ ऐसा, 2-chloro-3-methyl-butane ये हो गया, इज ट्रीटेड विद द सोडियम, किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम ईथर। तो आप जानते हो कि सोडियम ईथर के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्लोरीन यहाँ से लीव करके यहाँ पर रेडिकल्स बनाता है, ठीक है, सोडियम ईथर के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करके और क्या करता है बच्चों, इस तरह का रेडिकल्स बनाता है। और ऐसा ही एक कंपाउंड आपको और बना लेना है, ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, चार हो गया, फिर दूसरे कार्बन पर रेडिकल्स बना दिया, तीसरे पर इस तरह से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, और इसको हमें क्या करना है, रेडिकल्स को रेडिकल से जोड़ देना है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखिए बच्चों, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो दूसरे पर देखिए एक मिथाइल है, तीसरे पर मिथाइल है, चौथे पर मिथाइल है, पांचवे पर मिथाइल है, और 6 कार्बन का एक लॉन्ग चेन बन जाएगा, तो 2-3-4-5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बनेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सोडियम ईथर के साथ जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बनाता है, और वैसे ही अगर मान लीजिए हम इसके 2 मोल यूज में ले लें, ठीक है, 2 मोल यूज में अगर ले लें, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल आपस में कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, तो ग्रिगनार्ड जो है आप जानते हो कि CH3- कार्बन आयन का सोर्स है, और ये जो D2O है बेसिकली क्या करेगा, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, कहने का मतलब इससे ड्यूटेरियम निकाल लेगा और CH3D बना लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही वाली बात अभी मैंने बताया था, सोडियम और ड्राई ईथर दिया हुआ है, तो सोडियम ड्राई ईथर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस हैलोजन को निकालना और यहाँ पर रेडिकल्स बना देना, ठीक है। और जैसे आप रेडिकल्स बनाओगे, तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट और है ना, ऐसा ही एक रेडिकल्स और बनाना है, तो ऐसे ऐसे 2 कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, इस तरह से जुड़कर जो है इस तरह का कंपाउंड बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे कहता है कितने कंपाउंड बनेंगे, तो ऐसे एक ही कंपाउंड बनेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर फिर से वैसे ग्रिगनार्ड दिया हुआ, ग्रिगनार्ड जैसे ही आ जाए, तो जहाँ पर Mg लगा हुआ है वहाँ पर कार्बन आयन बन गया। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा बच्चों, ये कार्बन आयन क्या करेगा, यहाँ से इस ड्यूटेरियम से एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पर डी लग जाएगा,
लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह से देखिए, ये कार्बन आयन का कहने का ये निगेटिव चार्ज सिग्मा और पाई जो है कंजुगेशन में, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये बन गया 3 डिग्री का कार्बन आयन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब एसिड बेस रिएक्शन होना है तो ये कार्बन आयन जो है ड्यूटेरियम को यहीं पर इसी वाले कार्बन पर जोड़ लेगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। हालांकि दोनों में जो फास्ट रिएक्शन होगा, हालांकि एसिड बेस रिएक्शन अपने आप में फास्ट ही है, ठीक है। कार्बन आयन की बात करेंगे तो देखिए, ये 3 डिग्री का कार्बन आयन और ये 2 डिग्री का कार्बन आयन, तो 2 डिग्री का कार्बन आयन जो है ना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे बस केवल प्रोडक्ट पूछा है कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अगर ये वाला भी प्रोडक्ट ऑप्शन में दिया हुआ होता, ठीक है, मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, यहाँ पर डी और ऐसे, तो ये भी इसका सही आंसर होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटानोइक एसिड का मतलब आप जान रहे हैं, इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ एच दिया हुआ है, ठीक है। ब्यूटानोइक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन। पहला ग्रिगनार्ड है, तो ग्रिगनार्ड नहीं कर पाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ग्रिगनार्ड जो है ये सी एच थ्री माइनस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन लेकर मीथेन बना लेगा खुद ही। ये एन ए ओ एच और सी ओ जो है बेसिकली ये सोडा लाइम होता है, और ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से सी ओ टू निकाल देगा और ये बनाएगा एक प्रकार से प्रोपेन बना देगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एच आई और फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के साथ जब एच आई का रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों बेसिकली ये जो सी ओ टू आपको दिख रहा है ना, ये सी एच टू में कन्वर्ट हो जाता है, और एक हाइड्रोजन इसके पास है ही। तो कुल मिलाकर जो ये टर्मिनल में पोजीशन में जो सी ओ एच लिखा हुआ है, ये सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फाइनली आपको ब्यूटेन दे देगा, ठीक है। तो 27 का ए आंसर होगा।